अमरोहा शहर में सर्राफा कारोबारी के घर में डबल मर्डर की घटना से क्षेत्र में सनसनी। आपको बता दें, अमरोहा शहर के कटरा गुलाम में सर्राफा कारोबारी योगेश चंद्र व बेटी सृष्टि की बीती रात को अज्ञात बदमाशों ने दोनों की हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच में जुट गई। आपको बता दें, पूरा मामला अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कटरा गुलाम का है, जहाँ सर्राफा कारोबारी योगेश चंद्र का परिवार रहता है। बताया जा रहा है कि बीती रात को योगेश चंद्र व उसकी बेटी सृष्टि कमरे में सो रही थी, वहीं नकाबपोशी अज्ञात बदमाशों ने कारोबारी के घर को निशाना बना लिया, जिसके में कमरे में सो रहे योगेश चंद्र व बेटी सृष्टि की गला रेतकर हत्या कर दी, जिसके बाद बदमाशों ने घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। वहीं सुबह उठते ही मोहल्ले के लोग उनके घर पर पहुंचे तो दोनों बाप बेटी के सब खून से लथपथ पड़े मिले। इसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही अमरोहा CO अरुण कुमार, पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने कमरे की जाँच पड़ताल की। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। इस बड़ी घटना से परिवार के लोगों में कोहराम मचा हुआ है और अमरोहा शहर में सनसनी फैल गई है। देखिए इस वीडियो में। ये मोहल्ला कटोग्राम वाली में अभी दो लोगों की, व्यापारी नेता थे योगेश चंद सर्राफ, जो कि रिश्ते में मेरे चचेरे चाचा भी थे, वो और उनकी बेटी सृष्टि अग्रवाल, दोनों को आज सुबह पता चला कि मर्डर हो गया है। जैसी सूचना मिली, सब व्यापारी लोग और अग्रवाल समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। पुलिस भी मौके पर हमसे पहले मौजूद थी और प्रथम दृष्टिया में तो ये लग रहा है कि इनका मर्डर किया गया है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन बहुत ही निंदनीय घटना है और हमारा पुलिस प्रशासन से ये मांग है कि जल्दी से जल्दी इस घटना का खुलासा किया जाए और इसकी जो भी इसके पीछे लोग हैं उन दोषियों को सजा देकर। यहाँ परिवार में जो है वो उनकी बेटी रहती थी, साथ ही साथ उनका बेटा पहले यहाँ रहता था, दिल्ली शिफ्ट हो गया था, लेकिन दो दिन पहले बेटा और बहू यहाँ पर आए हुए थे, तो उनका ऊपर अलग पोर्शन है, वो उसमें रहते थे। व्यापार मंडल में थे ये और अग्रवाल समाज से भी। निश्चित रूप से बड़ी घटना है, व्यापार मंडल से, अग्रवाल समाज से, सेवा भारती से, कई संगठनों जुड़े हुए थे, सामाजिक व्यक्ति थे और घटना का शीर्ष खुलासा होना चाहिए। हम व्यापारियों की यही मांग है कि शीघ्र से शीघ्र इस घटना का खुलासा हो। डबल हत्या हुई है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? अमरोहा नगर थाना क्षेत्र में आज सुबह पिता और पुत्री एक घर में मृत अवस्था में मिले थे। मौके पे पहुंच के शवों का पंचनामा करके उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं, शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। सर, घर वालों ने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं, घर के अन्य जो सदस्य हैं, और घटना का बहुत तेजी से अनावरण किया जाएगा। बताया जा रहा किसी महिला का, मेरठ की महिला का यहाँ आना जाना था। एक इस प्रकरण में एक सस्पेक्ट महिला है जिसका इस घर में आना जाना था, जो अभी यहाँ से गायब चल रही है, उसके बारे में भी घर वालों ने कई चीज़ें बताई हैं जो हम डेवलप कर रहे हैं।